Hello, my dear students. Welcome back to Mega Civil Services Academy. Friends, आज मैं आपके लिए one word substitution, का एक set लेकर आया हूँ. Question set है. One word substitution या जिसको one word for many भी कहते हैं. तो मैं आज आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वन वर्ड फॉर मीनिंग जो हम जानते हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंग्लिश के एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं इसका वीडियो लेकर आया हूँ. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और उनका आंसर ऑप्शन में दिया होता है. किसी एक ऑप्शन को आपको चूज करना है. तो एक तरह से समझिए कि प्रैक्टिस सेट है या टेस्ट, आप इसको जो समझना समझ लीजिए. ठीक है, जिनको आंसर करना है वो वीडियो को पॉज कर देंगे. जैसे आप क्वेश्चन देख चुके हैं, अब इसका आपको आंसर करना है तो आप वीडियो पॉज कर दीजिए, आप अपना आंसर कर लीजिए. उसके बाद जब मैं बता दूंगा, मतलब आपको फिर आंसर देखना है तो ऑन कर दीजिए, फिर मेरा वीडियो आएगा, उसमें आप आंसर देख लीजिएगा. तो इस तरह से आज हम ये प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं. जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे हम करेंगे, 10, 20, 15, 50 जो भी हो पाएगा. ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं. ये हिंदी में जैसे हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जी हाँ यही है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मात्र एक शब्द का इस्तेमाल होगा इसमें कई शब्दों के लिए. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, कि वो हैंड राइटिंग जो पढ़ा नहीं जा सके उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं. तो अब जो भी कहते हैं वो यहाँ पे चारों में से किसी एक में आंसर छिपा हुआ है. तो कई शब्दों के बजाय हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं. हिंदी में भी हम करते हैं, जिसका उधर यानी पेज लंबा हो तो लंबोदर होता है. ठीक है, जिसके 10 सिर हो तो वो 10 आनंद होता है, और जहां जाना मुश्किल हो तो वो दुर्गम होता है. तो जैसे हमने हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को पढ़ा था, याद किया था, वैसे ही इंग्लिश में भी आपको फॉर एसएससी और बैंकिंग और अदर एग्जाम्स के लिए जिसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, वहां वन वर्ड फॉर मेनी या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन अक्सर आता ही है. 2, 1, 5, 10 जितनी भी संख्या हो, दैट डजंट मैटर. तो इसका क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये हम नहीं पढ़ेंगे या कम पढ़ेंगे. तो आप इसको पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर है, पर कि कितना पढ़ेंगे तो कम से कम 250-500 के बीच अगर आपने पढ़ लिया है, जो बेसिक है वो कर लिया है, तो आपके लिए काफी है. लेकिन आप अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, चूंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अगर आपको 1000 वन वर्ड भी मालूम है तो भी बढ़िया है. और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्चुअली वन वर्ड है क्या. अब जैसे ये चार वर्ड है, अगर इन चारों वर्ड का मीनिंग आप जानते हैं तो फिर आपको इसका आंसर करना आसान होगा. बात समझे, कितनी आसान बात मैंने बताया है कि अगर आपको इन चारों वर्ड का मीनिंग पता है तो आपको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कौन है. तो इसका मतलब ये है कि वन वर्ड करने के लिए आपको दो तरीके हैं. या तो आप वन वर्ड फॉर मीनिंग को रटिए जैसे कि किताबों में आता है, या फिर आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. ठीक है, स्ट्रेंथन योर वोकैब वर्ड पावर, क्योंकि ये एक तरह का वर्ड पावर ही तो है. आपको इनका मीनिंग पता है, अगर मैं इनका मीनिंग जानता हूं तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे आप पूछ लो, मैं बता सकता हूँ. तो ये डिपेंड कर, भले वो मैंने वन वर्ड में नहीं पढ़ा पर डिक्शनरी में तो उस वर्ड का मीनिंग मैंने देखा था, तो अगर आप पूछेंगे तो मैं बता ही दूंगा, क्योंकि उस वर्ड का मीनिंग पता है. सो आई कैन एक्सप्लेन द वर्ड इन मेनी वर्ड्स, कि मैं उस वर्ड को कई शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता हूँ. तो वन वर्ड फॉर मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए दो चीजों की जरूरत है. एक तो आप वन वर्ड को अलग से रट्टा मार लीजिए, दूसरा कि आप वोकैबुलरी पर ही काम करिए. ऑटोमेटिकली अज्ञानता को आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वन वर्ड फॉर मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, आपको कर लेना चाहिए. अब आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ऐसे में जिनके पास वर्ड पावर का कमी है, वन वर्ड याद नहीं किया है, तो उनको तो अब रोजाना 20, 25, 50 जितना हो सकता है याद कर लेने में ही भलाई है. ठीक है, तो मैं वीडियो को शुरू करूं, इससे पहले एक बात और कह देता हूं कि अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आए
तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए, और अगर इस तरह का और भी मेटेरियल चाहिए तो भी बता दीजिए, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो भी बता दीजिए। प्लस अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपके पास हर वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। और सबसे अहम बात, प्रिपरेशन में कोई कमी मत कीजिएगा, बहुत ही जल्द आपके एग्जाम्स होने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, मीनिंग तो मैंने इसका बता दिया अभी आपको कि हैंडराइटिंग यानी लिखावट जो कैन नॉट बी रेड, पढ़ा ना जा सके, तो ऐसी हैंडराइटिंग जिसको हम पढ़ नहीं सकते उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे। अब अगर इनका मीनिंग आपको पता है तो आपको आंसर पता होगा। तो जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट किया कि आप पहले वीडियो यहाँ पे पॉज कर दीजिए, अपना आंसर कर लीजिए, मगर मैं नहीं रुकूंगा, मुझे कंटिन्यू बताना है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इन एलिजिबल का मतलब होता है जिस जो चीज एलिजिबल ना हो, जैसे यहाँ देखिए एलिजिबल, यहाँ दो वर्ड लगा हुआ है, एलिजिबल और इन लगा हुआ है। इन मतलब नो, एलिजिबल मतलब योग्य, तो जो योग्य नहीं है उसको इन एलिजिबल कहते हैं, यानी कि अयोग्य। तो इन एलिजिबल का हिंदी हो गया अयोग्य, जहां हिंदी पॉसिबल होगा मैं लिखूंगा, अदरवाइज इंग्लिश में होगा। डेसिफर, डेसिफर का मतलब होता है टू फाइंड द मीनिंग, टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड, किसी मुश्किल शब्द का मीनिंग को पता करना डेसिफर कहते हैं। कोई भी वर्ड है जिसका मीनिंग आपको आसानी से डिक्शनरी में भी ना मिलता हो, ऐसे वर्ड का मीनिंग जानना है तो वो डिसिफर होता है, मतलब मीनिंग निकालना। अगली का मतलब बदसूरत, ऑलरेडी आप जानते हो कोई भी चीज बहुत ही बदसूरत है तो अगली है। एंड इलेजिबल, अब आप देख सकते हैं कि हैंडराइटिंग की जो बात हो रही थी उससे रिलेटेड ना ए है, ए में कह रहा है अयोग्य, हैंडराइटिंग की बात नहीं आई। बी में बात है वर्ड मीनिंग, वर्ड को ढूंढने की बात हो रही है, फाइंड द मीनिंग ऑफ अ डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है, वर्ड की बात हो रही है, तो बी में वर्ड की बात है, पर यहाँ हैंडराइटिंग बोल रही थी जो हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, लिखावट अच्छी ना हो। अगली मतलब बदसूरत, हैंडराइटिंग को अगली तो नहीं कहते, ये नहीं कहते भाई तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ही अगली है, तो बचा कौन, तो जो बच गया वही आंसर। तो हमने क्या किया, वोकैबुलरी की मदद से हमने इसको आंसर को क्रिएट कर दिया कि ये आंसर होगा, क्योंकि ऑलरेडी तीन हम एलिमिनेट कर चुके हैं, तो बचता है एलिजिबल। एलिजिबल मतलब वह राइटिंग जो पढ़ा ना जा सके, जैसे हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स की राइटिंग अक्सर पता नहीं चलता उन्होंने कौन सी दवा लिख दी है, कभी कभी तो कंपाउंडर भी नहीं बता पाता है, वो कहता फिर से पता करो लिखवा के लो, तो जो राइटिंग पढ़ी ना जा सके वो इलेजिबल होता है, ठीक है। तो अक्सर ये वाला इन एलिजिबल इलेजिबल ये मिक्स करके आपको क्वेश्चन में देता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एलिजिबल है ये इलेजिबल है, यानी जिसको पढ़ा ना जा सके, ठीक है। चलिए तो आपने भी आंसर करा होगा, तो आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है ये आप कमेंट में बताइएगा, जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे उसका आंसर आपने बता दीजिएगा, स्कोर क्या होगा, ठीक है, ये जरूरी है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, तो नेक्स्ट है एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हम होंगे जो कुछ लोगों के लिए आसान होंगे कि सर ये क्या बता रही है, तो हमें पहले से पता है, लेकिन कुछ लोग जिनको पहले से नहीं पता है उनकी संख्या ज्यादा है, तो ये चूंकि आप मैं पहली बार डील कर रहा हूँ इसलिए हल्का से डील करूंगा, आसान जो होगा वही बताऊंगा, लेकिन जब इसका शरीर आगे बढ़ेगा जैसे और भी मैंने चीजें शुरू की है तो सबका पार्ट टू थ्री आएंगे उस तरह से, तो उस समय लेवल मैं हाई कर दूंगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको अपर लेवल का चाहिए किसी एग्जाम के हिसाब से तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो कलेक्ट करके वो आपको दे दिया जाएगा, ओके। अब यहां देखते हैं एनिमल्स कहता है जीव जो रह सकते हैं ऑन लैंड जमीन पर और इन वाटर पानी पर पानी में, तो ऐसे जीव जो जमीन और पानी दोनों जगह में रहते हैं उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में हिंदी में आ ही रहा होगा, ठीक है, हिंदी में क्या था उभयचर, जैसे मेंढक है कछुआ है, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, ठीक है।
तो अब हम इन सब का मीनिंग देख लेते हैं कि इसमें से आपको कितने का मीनिंग पता है, क्योंकि अब आप क्वेश्चन तो समझ गए, अब मीनिंग की जरूरत है। जिसका मीनिंग आपको पता है और वो मैच हो गया इसके इस एक्सप्लेनेशन से, तो वही आंसर हो जाना है। अब जैसे एक्वेटिक, एक्वेटिक का हिंदी होता है जलीय। जलीय मतलब जैसे जो चीज जो जीव जल में रहता है, जैसे मछली है तो वो एक्वेटिक है, वो केवल जल में रहता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है दोनों जगह की बात हो रही है कि वो जमीन पर भी रहता हो और पानी पर भी रहता हो, लेकिन जो एक्वाटिक होता है वो केवल जल में रहता है, इसलिए जलीय जीव होते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, मछली वगैरह, है ना। नेक्स्ट है एंथ्रोपोइड। एंथ्रोपोइड मतलब अ पर्सन रिजेम्बलिंग एन एप। तो एंथ्रोपोइड एक तरह का मानव की जाति है पुरानी, जो जिसमें क्या होता है कि वो इंसान लंगूर की तरह दिखता है। ठीक है, वो एंथ्रोपोइड पोजीशन होता है या स्थिति होती है, अवस्था होती है। तो यहाँ पे बात कुछ और हो रही है, यहाँ तो कुछ और पूछ रहा है कि वो जीव जो जमीन या पानी पे रहता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एंथ्रोपोइड तो नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर ये पर्सन की बात कर रहा है तो पर्सन जमीन में रहता है, पानी में नहीं रहता, तो यहाँ तो आपको दोनों वाला चाहिए ना। अब बचा एक्वेरियंस। एक्वेरियम में देखिए अक्वा लगा हुआ है, मैं पिछले वीडियोस में रूट वर्ड पढ़ा रहा था, तो रूट वर्ड में एक्वा दो रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पानी, वाटर। ठीक है, और यहाँ वाटर और लैंड दोनों है, तो ना ये आंसर होगा ना ये होगा। तो एक्वेरियंस का मतलब भी वही जो पानी में रहते हैं या एक्वेटिक हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई पेड़ पे रहता हो तो उसको आर्बोरियल कहते हैं, क्योंकि उसमें ARBOR लगा है, इसका मतलब ट्री होता है, तो पेड़ पे रहने वाला आर्बोरियल हो जाता है। जैसे कोई पक्षी है केवल पेड़ पे दिखता है, जैसे तोता, तोता को मैंने ज्यादातर पेड़ पे देखा, जमीन पे चढ़ते चुपते नहीं देखा, तो वो आर्बोरियल हो गया। ओके, तो फिर बचा कौन भाई, तो बच गया एम्फीबियन। एम्फीबियन इज द आंसर। तो मान लीजिए कि आपको पहले से तीन का मीनिंग पता है, लेकिन वो तीनों मैच नहीं हुए उस एक्सप्लेनेशन से, तो जो बच गया वही आंसर है। अब एम्फीबियन का रूट वर्ड से हम उसको देख लेते हैं मीनिंग। एम्फी, इसमें रूट वर्ड है हमारा एम्फी, एम्फी मतलब बोथ, और बी अभियान या बायो मतलब लाइफ, यानी जो दो जगह जीवन जी सकता, बोथ लाइफ, तो एम्फीबियन कहते हैं, हिंदी में उभयचर कहते हैं, ऐसे जीव जो दो जगह जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, पानी में भी और जमीन पे भी, तो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूट वर्ड की मदद से भी एलिमिनेट करके भी अपना मीनिंग कर लिया। मीनिंग करने से, आंसर करने से मतलब है, कैसे करना है उसके लिए यू आर स्मार्ट है ना, आप उसके लिए काफी स्मार्ट हो, आपको पता है कि चीजें कैसे करनी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और गुरु से ज्ञान लेने की जरूरत है। बिना ज्ञान के नॉलेज नहीं होता। ठीक है, बिना ज्ञान के ज्यादा से ज्यादा रट्टा मारोगे, अगर ये वीडियो आप नहीं देखोगे और एंड तक नहीं देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा रट मार के काम कर सकते हो और उससे कुछ फायदा नहीं होगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए। इजीली ड्यूप और फूल, दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, जिसको आंसर पता है वो अपना कर लीजिए, वीडियो रोक के देख लीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इजीली ड्यूप्ड, एक होता है DUKE ड्यूक, बाइक में आपने देखा होगा ड्यूक लिखा होता है, ड्यूक मतलब किंग होता है। ठीक है, तो ड्यूक अलग है, ड्यूक अलग है। ठीक है, और एक होता है DOP, डॉप, डॉपिंग चार्जेस लगते हैं ना, जैसे क्रिकेटर पे फुटबॉलर पे डॉपिंग चार्जेस, मतलब क्या होता है वो, ड्रग्स के चार्जेस लगते हैं कि ये ड्रग्स लेता है उसको डॉपिंग चार्ज लगा के उस पर प्रतिबंधित उसको किया जाता है, तो डॉप हो गया वो। आपका किसी को ड्रग्स वगैरह का आदत है या उसको ड्रग्स लेने की आदत है, उसको डॉप कहते हैं। तो ड्यूक, डॉग एंड ड्यूक, ये ड्यूक का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना। तो यहाँ पे भी लिखा फूल्ड, तो कहते हैं इजीली ड्यूक और फूल्ड, जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके, तो उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, चतुर, चालाक, नहीं, उसको हम कहते हैं मूर्ख, मूर्ख ही कहते हैं, या कहते हैं भोला भाला, यार ये भोला है इसको कोई भी ठग लेगा। तो चलिए इसमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब भोला भाला है। इनसेंसिबल, देखिए यहाँ पे दो चीजें, इन मतलब नो,
सेंसिबल मतलब होता है जो समझदार है, समझदार को सेंसिबल कहते हैं, समझदार, ठीक है। इनसेंसिबल, सेंसिटिव अलग है, इनसेंसिटिव है वो अलग है, सेंसिबल या सेंसिबिलिटी, ये सेंस से वर्ड बनता है, सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है, समझ, किसी चीज की सेंस आपकी अच्छी है मतलब समझ अच्छी है। इन सेंस मतलब नो समझदारी, तो इसके अंदर समझदारी नहीं है, तो होने को तो ये आंसर हो सकता है पर है नहीं। इनसेंसिबल का मतलब होता है जिसको समझ में नहीं आता, और यहाँ कह रहा है जो जिसको ठगा जा सके, ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा ना कि जिसको समझ नहीं आता उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये है कि जिसको हम आसानी से मूर्ख बना दें कि हाँ भाई ऐसा हो गया, वो मान लेगा हाँ ऐसा हो गया, तो वो इनसेंसिबल नहीं है, वो कुछ और है, तो ये आंसर नहीं होगा। परसेप्टिबल, परसेप्टिबल मतलब होता है एबल टू बी सीन, एबल टू बी सीन यानी जो देखा जा सके, देखने योग्य, ऐसी चीजें जो नजर आ जाए, ठीक है, वो परसेप्टिबल होता है। नेक्स्ट है गलीबल, गलीबल का मतलब होता है मूर्ख, जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, गलीबल, बिग्यूल बोलते हैं ना, बिग्यूल थरना। और इन डेफरेंस, इन मतलब नो, और डेफर मतलब होता है रिस्पेक्ट, इन मतलब नो और डेफर, देखिए डेफर है, डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस अलग ही वर्ड है, डिफरेंस में डी आई चलता है, डबल एफ चलता है, और ये डिफरेंस है, इन डिफरेंस, तो नो रिस्पेक्ट, इन डिफरेंस मतलब जिसकी इज्जत ना हो, यानी अनादर, आप इसको अनादर कह सकते हैं। तो गलीबल हो गया जो भोला भाला है, मूर्ख है, या जिसको आसानी से हम ड्यूप कर देंगे, चीट कर देंगे, ठग सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गलीबल, क्लियर है। चलिए, तो आपने भी आंसर कर लिया होगा, अपना कमेंट में जरूर बताइएगा जितने भी क्वेश्चन होंगे एंड में, कि उनमें से कितना आपके करेक्ट हुए हैं, क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि समझाना भी पड़ता है एक एक वर्ड का, इसलिए टाइम लगेगा, थोड़ा हिम्मत रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा मेरा रूट वर्ड वाला, उसमें फियर का रूट वर्ड, वाटर का रूट वर्ड मैंने दिया था। वाटर का क्या दिया था, एक दिया था हाइड्रा, और एक अभी बताया ना एक्वा, उस दिन भी बताया था कि वाटर का दो रूट वर्ड होता है, हाइड्रा और एक्वा। और फियर या ये हो गया आपका फोबिया, फियर ऑफ वाटर, फियर मतलब फोबिया हो गया, एंड वाटर हो गया एक्वा। अब देखिए होता क्या है कि ये जो फोबिया मतलब डर, ये किस तरह का डर को फोबिया कहते हैं, एक फियर एक फोबिया, दोनों अलग अलग चीजें। फियर मतलब जैसे नॉर्मल डर किसी को किसी बात का है, मान लो कि सांप से डर, तो हर किसी को डर है सांप से, कोई ऐसा नहीं कि आप सांप से नहीं डरते हैं, तो ये फियर हो गया, एक नॉर्मल तरह का डर है, कॉमन है, आम लोगों में ये डर पाया जाता है, उसको फियर कहते हैं। लेकिन ऐसा डर जो फियर से भी ऊपर है, मतलब सांप का डर तो ठीक है, लेकिन इतना डर कि अगर सांप को देख लिया तो उस रास्ते से गुजरेगा ही नहीं, और सेम डे तो छोड़ दीजिए एक महीना तक नहीं गुजरेगा कि कहीं अगर बीच में मिल गया बैठा हो फिर 10 मिनट तक, तो ये फोबिया होता है, इसको फोबिया कहते हैं, ये एक अलग ही लेवल का डर है। तो अगर आप फोबिया के शिकार हो तो इसका मतलब आपको एक अलग ही लेवल का डर है किसी चीज का। छिपकली का डर, मुझे भी डर लगता है अगर कभी चढ़ गई गिर गई, लेकिन आप छिपकली रूम में है और मैं उस रूम में ना बैठूं इस डर से कि छिपकली है, तो ये फोबिया है, ठीक है। तो आम डर से ऊपर लेवल का डर होता है फोबिया कहलाता है। पानी से डर, अब आप बताओ पानी से कौन डरता है, पानी से डर किसी को नहीं लगता, पानी से डरेगा वो नहाएगा नहीं, पिएगा नहीं, है ना। लेकिन ये जो फियर ऑफ वाटर है, इसमें क्या है कि वो नहाने के लिए जैसे कोई हौजा है, स्विमिंग पूल है, उसमें वो कभी नहीं कूदेगा, उसको डर है कि मैं डूब जाऊंगा, ठीक है, भले वो पानी बहुत कम है फिर वो डरता है उससे, तो ये एक अनयूजुअल फियर हो गया। तो फोबिया मतलब होता है अनयूजुअल फियर, और फियर का क्या होता है, जो नॉर्मल फियर है सब में है, पानी से मुझे भी डर है कि मैं डूब जाऊंगा अगर पानी बाढ़ आ गई तो, लेकिन अब जहां बाढ़ नहीं है वहां भी मैं डर रहा हूं थोड़े बहुत पानी से, तो ये फोबिया हो गया, ठीक है।
एक तो मूवी भी आई थी, वो भी आपने देखा होगा, राधिका आप्टे की, उनको घर से बाहर निकलने का डर था, चौखट से बाहर पैर कभी नहीं रख पाती थी, इट वॉज अ वेरी थ्रिलर मूवी। चलो तो फियर ऑफ वाटर, अब हमें यहाँ पे ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें फियर आता हो, जैसे यहाँ फोबिया आ गया, तो चलिए फोबिया तो दो में आ गया, इसमें फियर नहीं है मतलब फोबिया नहीं है मतलब ये आंसर नहीं हो गया, मैंने एलिमिनेट कर दिया अभी वर्ड की हेल्प से। यहाँ पे फियर बोल रहा है, फियर मीनिंग है फियर नहीं होता, ऑब्सेशन में भी फियर नहीं है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, या तो आंसर क्लस्टर होगा या हाइड्रो होगा। अब यहाँ पे एक चीज है वाटर, तो ये हाइड्रा भी आ गया, ठीक है, तो हाइड्रा वाटर हो गया और फोबिया आपका फियर हो गया, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो फियर ऑफ वाटर, जिसको पानी से डर है वो हाइड्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, क्लॉस्ट्रो मतलब क्लोज होता है, क्लोज या क्लोज स्पेस, और ये फियर हो गया मतलब ऐसा आदमी जिसको बंद जगहों से डर लगता है, ऐसा आदमी लिफ्ट में कभी नहीं चढ़ेगा, उसको दम घुटेगा, सफोकेशन फील होगी, ठीक है, सकिस्ता जगह जो होती है कंजेस्टेड एरियाज उधर वो नहीं बैठ सकता, कोई फोन बूथ जैसे छोटा सा जिसे फोन बूथ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसके लिए वन वर्ड आता है कियोस्क, ठीक है। चलिए तो ये आप देख लेंगे, और इंसोमेनिया, इंसोमेनिया में दो चीजें हैं, इन इन मतलब नो और एस को एम एन सॉम, सॉम इज द रूट वर्ड जिसका मतलब होता है नींद, तो इन इन लग गया मतलब नो और इधर हो गया सॉम, एस ओ एम एन सॉम, तो नींद। अब एक जिसको नींद नहीं आती है उसको इंसोमेनिया कहते हैं, इंसोमेनिया के कई लोग शिकार होते हैं ना, तो वो नींद नहीं आती है उनको, नींद की स्लीपिंग पिल्स खाने पड़ते हैं, दवाएं खानी पड़ती है, तो इंसोमेनिया तो अलग ही चीज हो गया। और ऑब्सेशन मतलब होता है किसी चीज का पागलपन, मेनिया एक तरह का, किसी बात को लेके वो बहुत ही उतावला हो जाता है, ऑब्सेशन कहलाता है। ये ठीक है, तो फियर ऑफ वाटर का आंसर क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया, क्लियर है, जिनका भी आंसर हाइड्रोफोबिया है दे आर करेक्ट, और जिनका नहीं है वो आइंदर से इसको याद रखेंगे। आते हैं टू एग्री टू समथिंग, किसी चीज के लिए एग्री हो जाना, एग्री सहमत हो जाना, टू समथिंग किसी चीज से सहमत होना, किसी बात से सहमत होना। अश्योर का मतलब होता है किसी को सुनिश्चित कर देना, सुनिश्चित करना यानी कि एक तरह से उसको भरोसा दिलाना कि हम ऐसा करने वाले हैं, अश्योर हो जाते हैं मतलब उसको श्योर कर दे, अश्योर श्योर कर देने कि भाई तू डर मत मैं तेरे साथ हूं, ठीक है, आई अश्योर यू आई विल हेल्प यू। असेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति, असेंट भी बोलते हैं, कंसेंट भी बोलते हैं, ठीक है, असेंट या कंसेंट, सहमति बोलते हैं ना, अपने पापा से कंसेंट लेटर लेकर आओ, अभी जब स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे तो स्टूडेंट्स को कंसेंट लेटर लाना पड़ेगा, गार्जियन लिख के देंगे कि हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारे बच्चे कॉलेज या स्कूल जाएंगे। और एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूलन पड़े होंगे, एडेप्टेशन, अध्ययन मतलब होता है चिपकना, तो इन सब का मीनिंग आपने देख लिया। अब यहाँ कह रहे हैं एग्री होना, तो इसमें से कौन सा वर्ड आ रहा है जो एग्री का सेंस दे रहा है, तो बिल्कुल आसान है असेंट, असेंट यानी सहमति, सहमति और एग्री एक ही चीज है ना, तो ये तो नहीं हो गया, अश्योर में सहमति नहीं है, अनुकूल में सहमति नहीं है, चिपकना में सहमति नहीं है, तो ये मैंने कैसे बना दिया, नो रूट वर्ड वोकैबुलरी वर्ड पावर की मदद से, कि मुझे इन चारों का मीनिंग पता था और क्वेश्चन मैं समझ गया, जो मीनिंग क्वेश्चन से मैच हो गया वही आंसर हो गया, तो इसमें बताने के लिए कुछ और नहीं है, तो ये वोकैबुलरी का खेल है, जिसका वर्ड पावर अच्छा उसका एंटो सिनो वन वर्ड सब कुछ अच्छा बल्कि बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए कहता हूँ वर्ड पावर पे मेहनत कीजिए, जबरदस्त तरीके से काम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे अ पर्सन हु विथड्रॉज, कहता है एक आदमी जो पीछे हट जाता है, विथड्रॉ मतलब पीछे हटना, फ्रॉम द वर्ल्ड, वर्ल्ड से दुनिया से, और लीव रहता है इन सिक्लूजन, और एकदम अकेला जीवन बिताता है, एंड ऑफ्टन इन सॉलिट्यूड, मतलब वो इंसान जो दुनिया से अलग जीता है और अकेला जीवन बिताता है, ठीक है, वो परिवार समाज से दूर रहता है। अब यहाँ पे चार वर्ड आए, प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी, तो
तो बताओ क्या पुजारी अकेला रहता है मंदिर में रहता है, लेकिन मंदिर भी तो समाज के बीच है ना, तो पुजारी तो नहीं हो सकता है इस आदमी जो अकेला रहता है दुनिया से दूर, उसको कोई मतलब ही नहीं है। सेज मतलब होता है वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, सेज पर्सन, वाइज सेज से अपने पढ़ा सेगसस, सेगसस बढ़ाता है वो भी सेज से बनता है, ठीक है बुद्धि। तो वाइज मैन क्या दुनिया से अलग रहते हैं, ऐसा तो हमने नहीं सुना। जितने भी बुद्धिमान पढ़े लिखे दार्शनिक लोग थे समाज में रहे, चाहे अरस्तु चाहे सोक्रेट या स्वामी विवेकानंद, रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवासी, रिक्लूज एकांतवासी, ये हो गया जो अकेला रहता है, उसको समाज में रहना पसंद नहीं है। एंड आइकोनोक्लास्ट, आइकॉन एंड क्लास्ट, आइकॉन मतलब होता है आइडॉल, कोई मूर्ति, ठीक है, और क्लास्ट का मतलब होता है ब्रेक, तो मूर्ति को ब्रेक करने वाला। आइकॉन जो प्रतिमा होते हैं यानी सिंबल, मूर्ति कह सकते हो, सिंबल कह सकते हो, प्रतीक कह सकते हो, तो जो किसी प्रतीक को, किसी कॉन्सेप्ट को, विचारधारा को, मान्यता को खंडन करता है उसको कहते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। वन हु ब्रेक्स द मिथ, जो मिथ को तोड़ता हो, मिथ मतलब वही पुरानी मान्यताएं, मनगढ़ंत बातें, कुछ बातें होती है ना, हम कहते हैं भाई मैं इसको नहीं मानता, मैं इससे अलग काम करूंगा, तो ये होता है आइकोनोक्लास्ट, ओके। चलिए तो आंसर आप समझ गए होंगे, क्योंकि चारों का मीनिंग क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो आदमी अकेला रहता है वो क्या होता है, रिक्लूज होता है, एकांतवासी, एकांत यानी अकेला, अलग जीवन जीता है, दुनिया समाज से दूर होकर जीता है, ठीक है। तो आंसर आप ये कर गया होगा, जहां डाउट होगा पूछ लीजिएगा और अपना आंसर जरूर बताइएगा कि आपके कितने करेक्ट हुए। अभी मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं देख रहा, आप गिन लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अ लवर ऑफ बुक्स, पुस्तक प्रेमी। अब देखिए यहाँ पे बुक है, बुक के लिए रूट वर्ड आया बिब्लियो, बिब्लियो मतलब बुक होता है जो कि तीन में है, इसमें बिब्लियो नहीं है मतलब ये आंसर नहीं होगा, तो रूट वर्ड से हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, टीचर्स कैसे बनाते हैं, इसको फॉलो करो कि सर ने क्या टेक्निक अपनाया, और जो टेक्निक अपनाया उस टेक्निक को आपको सीखने की जरूरत है। तो मैंने क्या टेक्निक अपनाया, रूट वर्ड का इस्तेमाल किया, और रूट वर्ड के मदद से मैंने क्या किया, जो आंसर नहीं हो सकता उसको पहले छाट दिया, इससे हमारा ऑप्शन में एक कम हो गया, ठीक है, चार दुश्मनों में से एक दुश्मन घट गया, तो अच्छा है ना, काम आसान हो गया। तो बिब्लियो मतलब बुक्स का हो गया। अब यहाँ आते हैं लवर, लवर का रूट वर्ड होता है फाइल, फिल, एफ आई एल पी एच, ये आपका पी एच आई एल, फिल, ठीक है। और यहाँ आपका ग्राफ है, यहाँ फिल नहीं है, बिब्लियो तो है लेकिन फिल नहीं है, मतलब लव नहीं है। तो अगेन रूट वर्ड की मदद से सी भी छट गया, और इसी रूट वर्ड की मदद से ए भी छटेगा, क्योंकि यहाँ भी फिल नहीं है, तो जहां फिल होगा वहां पे मीनिंग होगा लव। तो लव का रूट वर्ड फिल होता है, पी एच आई एल, फिल, एम भी होता है, ए एम एम मतलब भी लव होता है, और ये आपका बिब्लियो। तो ज्यादातर जो वन वर्ड आते हैं वो रूट वर्ड पर बन जाते हैं, इसलिए रूट वर्ड को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। तो फिल हो गया और बिब्लियो हो गया, इनकी मदद से हमने तीन छाड़ दिया, इसमें फिल नहीं है छड़ गया, इसमें बिब्लियो है फिल नहीं है छड़ गया, इसमें ना फिल है ना बिब्लियो इसलिए छड़ गया। तो बचा कौन, बिब्लियो फिल मतलब लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियो मैनिक भी वही होता है, वन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, वन हु कलेक्ट्स बुक्स, जो किताबों को कलेक्ट करता है वो बिब्लियो मैनिक होता है। सेम बिब्लियो फिल के लिए भी कह सकते हो, जो किताबों को कलेक्ट करता है साथ ही साथ रीड यानी पढ़ता भी है वो बिब्लियो फिल हो गया। बिब्लियोग्राफर कौन है, जो किताबों को बिब्लियोग्राफी करता हो वो बिब्लियोग्राफर है। बाईलिंगुअलिस्ट, बाई मतलब टू, ये भी रूट वर्ड है, बाई टू टू, ठीक है, ट्राई होगा तो थ्री। और लिंगुआ, लिंगुआ मतलब हो गया लैंग्वेज, तो जो दो लैंग्वेजेस जानता है वो बाईलिंगुअलिस्ट हो गया, ठीक है। टू लैंग्वेजेस, टू लैंग्वेजेस, वन हु नोज
टू लैंग्वेजेस, जो दो भाषाएं जानता है, और मान लीजिए कोई तीन भाषा जानता है, तो बाई की जगह ट्राई लगा दीजिए, ट्राई लिंगुअलिस्ट, ठीक है। तो रूट वर्ड की मदद से हमने कितने आसानी से इसका आंसर कर दिया। अब आप अपना आंसर मैच करके और कमेंट में बता दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट जरूर कीजिए, आप अपनी राय दीजिए, और आजकल आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, ना जाने कहाँ बिजी हैं, तो जो भी है अभी सब काम छोड़िए, वीडियोस देखिए, क्योंकि एग्जाम्स करीब है। ऑकरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, ऑकर मतलब कोई चीज होना, इरेगुलर मतलब हो गया जो नियमित नहीं है, इंटरवल मतलब हो गया गैप, और कहता है समय में, कह रहे हैं कि जो चीज गैप में होता हो, जो चीज होता हो गैप में, ठीक है, मतलब रेगुलर ना होता हो, गैप में होता हो। अभी देखिए एपिडेमिक वर्ड आया, एपिडेमिक महामारी, आजकल आपने कोरोना महामारी के बारे में सुना ही होगा, हर कोई जान रहा है। तो एपिडेमिक क्या होता है, एक ऐसी बीमारी जो व्यापक हो, महामारी या बीमारी जो व्यापक हो, यानी हर जगह हो, उसको हम एपिडेमिक कहते हैं। कोरोना को एपिडेमिक क्यों कहा, क्योंकि ये हर जगह है, पूरी दुनिया में है। और एंडेमिक होता है जो एक प्रदेश में हो, देश या प्रदेश में हो, ये एंडेमिक हो गया, ठीक है, एक प्रदेशीय, यानी कि ये केवल एक ही इलाके में होगा। मान लीजिए अगर कोरोना केवल इंडिया में होता तो वो एक प्रदेशीय होता, उसको हम एंडेमिक बोलते, ठीक है, लेकिन ये पूरी दुनिया में है तो ये एपिडेमिक है। तो एपिडेमिक और एंडेमिक अलग अलग है, क्लियर हो गया। टेम्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, आप इसको गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पर ये समय से रिलेटेड कुछ होता है टेम्पोरल, और इसको टेम्पोरी मत समझ लीजिएगा, पर थोड़ा थोड़ा सेंस वो भी दे देता है। और स्पोरैडिक, तो ये कह रहा है इरेगुलर टाइम, तो इसमें इरेगुलर टाइम का कोई सेंस नहीं है, ये भी नहीं है। स्पोरैडिक होता है, स्पोरैडिक का मतलब होता है जो चीज रुक रुक के हो, ठीक है, यानी लगातार ना हो, रुक रुक कर, जैसे बारिश हो रही है अभी कुछ दिनों से लगातार बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी सी होती है फिर बाद में होती है, तो ये स्पोरैडिक रेन हो गया, ठीक है। इंटरमिटेंट बोलते हैं, या कंटिन्यूअल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअल, ओके। चलिए, तो आंसर आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो इंट्रो में ज्यादा टाइम लग गया, अगली बार मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाऊंगा, क्योंकि इंट्रो में दे चुका हूं, ये पार्ट वन रहेगा। आप कमेंट करके बताना कि आपको पार्ट टू चाहिए कि नहीं चाहिए। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, ठीक है, मतलब कि लोगों को याद करना, यादगार बना के रखना, टू कीप रखना, ग्रेट पर्सन बड़े या महापुरुषों को, या किसी घटना को, बड़ी घटना को, जैसे हमने दो दिन पहले 2 अक्टूबर मनाया, पीपल्स मेमोरी, तो लोगों की या घटनाओं को यादगार बना के रखना। और वर्ड अगर कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत, ये वर्ड आप जानते हो, ठीक है, तो क्या यहाँ पे कोई सेंस बातचीत का दे रहा है क्वेश्चन में, नहीं, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ओके। अब यहाँ पे आ जाइए कमिसरेट, कमेंसरेट एंड कमेमोरेट, ठीक है, अब देखिए लगभग लगभग सब मिलता जुलता वर्ड है। अब मैं क्या करूंगा, इन शब्दों में एक खास चीज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको इन शब्दों का मीनिंग याद रहेगा, ओके। जैसे देखिए कमीजरेट, कमीजरेट में मीजर लगा हुआ, MISER, मेन वर्ड देखिए, पकड़िए, मेन वर्ड क्या है, मीजर, मीजर या माइजर आप बोलते हो, क्या मीनिंग होता है, कंजूस, तो कुछ ना कुछ मीजर से रिलेटेड होगा, या मिजरी मान लीजिए, मिजरी या मीजर जो मान लीजिए, मिजरी बोलते हैं दयनीय, जब किसी की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, तो कमीजरेट का मतलब दयनीय स्थिति होना, बहुत ही पिटिएबल, डिप्लोरेबल कंडीशन, ठीक है, अच्छी स्थिति में ना होना, मिजरी से रिलेटेड है, या कंजूस है, तो कंजूस आदमी का जीवन कैसा होता है, खुशहाल तो नहीं होता, वो खुद भी धोखा रहता है और घर वाले को भी धोखा रखता है। उसी तरह यहां देखिए मेंसुरेट यानी मापना, मेंसुरेशन आपने पढ़ा होगा, या इसको मेजर समझ लीजिए,
मेजर MES योर मेजर क्या होता है मापना, पीए का क्या होता है किसी चीज की बराबरी करना, बराबरी करना, कमेंसुरेट यानी कोई उस चीज की बराबरी नहीं कर सकता, कोई उसके मुकाबले नहीं है, उसके बदले में नहीं आ सकता, दैट इज कमेंसुरेट। और कॉमन रेट तो यहाँ पे बराबरी करना पर्सन और मेमोरी, यहाँ बात करिए मेमोरी की, तो हमको मेमोरी चाहिए, इसमें मेमोरी नहीं है, इसमें मेमोरी नहीं है, इसमें मेमोरी नहीं है, यहाँ पकड़िए MEMOR, देखिए मेमोरी एक वाई की कमी है तो मेमोरी आ गया, तो यहाँ मेमोरी यहाँ मेमोरी पकड़ लिया, आंसर हो गया। अगर आप नहीं भी जानते तो मीनिंग थोड़ी बीच से पकड़ लिया, ये मेमोरी यह मेमोरी है, तो दोनों मेमोरी अलग एक हो गए, यानी यही आंसर हो गया उस कई वर्ड्स का, ठीक है। वन वर्ड कमेमोरेट, कमेमोरेट मतलब होता है स्मारक, स्मारक स्मारक या स्मरण, किसी चीज को याद करना, यादगार बनाना, ठीक है, जैसे बापू का हमने याद बनाया तो यह स्मारक है, कमेमोरेट है। तो इस तरह से हम ट्रिक लगाते हैं, कुछ ना कुछ उपाय लगाते हैं ताकि सही सही क्वेश्चन को किया जा सके, लेकिन ये तब होता है ना जब हम पहले से इस चीज को करते रहते हो, प्रैक्टिस में रहते हो। अब आप सोचेंगे बस एग्जाम के दिन कूद जाएंगे, उसी दिन ट्रिक बढ़ा देंगे और बन जाएगा, तो ये सब ख्याली पुलाव है, बस देखने सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता, आपको पहले से प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, कहते हैं एक आदमी जो फिजिकली किसी वस्तु पर आधारित है, निर्भर है, वस्तु पर निर्भर, जैसे आजकल हम लोग मोबाइल पर निर्भर है, मोबाइल के बिना, इस मोबाइल के बिना चलना मुश्किल है, क्लियर, सभी के साथ यही मामला है। लेकिन जब मोबाइल नहीं था तभी लोग किसी न किसी चीज पर निर्भर थे, जैसे लैपटॉप, पहले कंप्यूटर आया तो लोग कंप्यूटर पर निर्भर हो गए, फिर लैपटॉप आ गया, फिर मोबाइल आ गया, तो किसी वस्तु पर निर्भर रहना, ठीक है। अब ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल किस पर निर्भर होता है, किसी वस्तु पर, ऐसा तो है नहीं, ये अलग ही वर्ड है। मार्टियर मतलब शहीद होता है, शहीद किसी चीज पर निर्भर नहीं रहता, अलग ही दे दिया। ग्लैडिएटर मतलब योद्धा, योद्धा भी किसी चीज पर निर्भर नहीं है, वो लड़ के अपना जो हक है वो ले लेगा, तो ये भी नहीं है। तो एडिक्ट का मतलब क्या होता है, एडिक्ट का मतलब होता है वो इंसान जिसको किसी चीज की लत लग जाए, निर्भर का मतलब है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता, जैसे ड्रग्स के बिना, या कोई शराब पीता है तो शराब के बिना, तो वो एक तरह का एडिक्शन हो गया। तो एडिक्ट का मतलब क्या होता है, लत, तो किसी चीज की लत लग जाती है, ठीक है, या उसको नशेड़ी कहते हैं। तो एडिक्शन जो वर्ड है वो नेगेटिव है, इसको नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है एडिक्ट। और एक वर्ड होता हैबिट, अगर अच्छी आदत है तो आपकी यह हैबिट है, ठीक है, और अगर बुरी आदत है तो यू आर एडिक्ट, यू आर एन एडिक्ट। तो कोई एडिक्ट है इसका मतलब क्या है कि उसको किसी बुरी चीज की लत है, वो उसके बिना नहीं रह सकता, वो सब्सटेंस यानी वस्तु पर पूरी तरह से निर्भर है, अगर उसको टाइम पे ड्रग्स नहीं मिलेगा तो वो मर भी सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एडिक्ट बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो वर्ड थे वो कंफ्यूज करने के लिए दिए गए। तो पर्सन जो फिजिकली डिपेंडेंट है किसी चीज पे वो एडिक्ट कहलाता है, एडिक्ट का मतलब एक तरह का नशेड़ी वगैरह। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, कहता है एक बच्चा जो अपने पिता के मौत के बाद पैदा हुआ, ठीक है, यानी कि मौत, पिता उसके पैदा होने से पहले पिताजी की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, वो दुनिया में चले गए, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे, क्या उसको अनाथ कहेंगे। आपको तो लग रहा होगा कि भाई जब बाप मर गया तो अनाथ हो गया, ये नहीं कह रहे कि माँ भी मर गई, माँ तो जिंदा होगी ना, बाप मरा है माँ नहीं, अनाथ में दोनों चले जाएंगे। डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित, जिसको हर चीज से वंचित कर दिया गया, बाप चला गया तो भी वो माँ तो है ना, तो वंचित नहीं होगा, ठीक है, उसको उसका हक मिलेगा। वेफ का मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है, दुबला पतला, अनाथ, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है, वेफ है बेघर, ठीक है, जो कई दिनों से खाना नहीं खाया है, बेघर है, उसको वेफ कहते हैं। ये वर्ड मैंने देखा था जब मैं टॉम एंड जेरी देख रहा था, उसमें ये वर्ड मुझे मिला था वेफ पहली बार। पोस्टमस, पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब बाद,
देखिए अभी यहां बाद आ गया, पकड़िए आफ्टर, ये हो गया बाद, तो जो बाद यहां वही बाद यहां। तो पॉस्थिमस चाइल्ड मतलब होता है जो अपने पिता के मौत के बाद दुनिया में आता हो। एक्चुअली ये वर्ड यूज करते हैं पॉस्थिमस कोई राइटिंग के लिए, जैसे किसी ने कोई किताब लिखा, नॉवेल लिखा और उसके पब्लिश होने से पहले उसकी मौत हो गई तो वो पॉस्थिमस बुक कहलाती है या पब्लिकेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ वोकैबुलरी बहुत काम करता है जिसमें आपका रूट वर्ड होना चाहिए और पावर तो आपका जबरदस्त होना ही चाहिए। और अगर वर्ड पावर पे आपने काम नहीं किया तब तो परेशानी आपके लिए मुंह खोले बैठी है। नेक्स्ट आते हैं, अ मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग। ठीक है, तो कहते हैं एक मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो आपके बॉडी के द्वारा होता है तो किसी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए। जैसे हम लोग इमोटिकॉन्स यूज करते हैं ना, ये इमोटिकॉन्स वगैरह यूज करते हैं, इससे हम क्या दिखाते हैं कि बंदा गुस्से में है, या हम दूसरा इमोटिकॉन्स बनाते हैं और इसमें क्या दिखाते हैं वो कोई कि वो चीयरफुल है, खुश है, तो ये क्या होता है चेहरे चेहरा हो गया। लेकिन यहाँ पार्ट ऑफ बॉडी हाथ पार हाथ पैर हाव भाव से पता चल रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वर्ड आए, जाइव आए, जेस्चर आया, पोज आया, मिमिक्री आया। तो जाइव मतलब उपहास हो जाता है, तरह का किसी का जब हम मजाक उड़ाते हैं तो वो हमारा जाइव कहलाता है, या एक ऐसा कमेंट, ठीक है, जो आपने किसी को कर दिया है और वो कैसा है थोड़ा सा मतलब उसको उपहास बनाने के सेंस में यूज किया गया है। ठीक है, इस तरह का ये कमेंट हो गया जो आपने किसी को मजाक बनाने के लिए किया था। जाइव, जेस्चर, अब ये बड़ा कॉमन वर्ड है उसका जेस्चर, मतलब उसका जेस्चर से हम समझ गए कि वो क्या चाहता है। क्लियर है, तो यहाँ पे जेस्चर वर्ड ही होना चाहिए आंसर, क्योंकि जेस्चर ही है हाव भाव। पोज मतलब क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे खड़े होके जैसे तस्वीर खिंचाते हैं तो वहां पे पोज देते हैं, वो पोज हो गया पर्टिकुलर समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, और 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए आप खड़े हो तो ये पोज हो गया। एंड मिमिक्री, यू नो, किसी का साउंड की कॉपी करना, मिमिक्री से लोग फिल्मों के हीरो की आवाज निकालते हैं, शाहरुख सलमान, ओके, तो ये मिमिक्री हो गया, या एक तरह का मजाक भी हो गया, लेकिन मिमिक्री का मीनिंग किसी के साउंड में आना। तो आंसर कौन जाएगा, मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ फीलिंग, जेस्चर। तो जेस्चर से अपने हाव भाव को, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जेस्चर देख के बता देते हैं कि सामने वाला गुस्से में है या फिर मतलब वो अच्छे जॉली मोड में है। क्लियर, चलिए। आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 2 questions और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी। कहता है कि एक तरह का कानूनी समझौता जिससे एक आदमी पैसे उधार लेता है बैंक से, और यूजुअली टू बाय अ हाउस, जनरली किसी घर को खरीदने के लिए। आपने देखा होगा लोग पैसे बैंक से लोन लेते हैं और वो एक तरह का मॉर्टगेज कहलाता है। ठीक है, जी हाँ, मॉर्टगेज आंसर मॉर्टगेज होगा। मॉर्टगेज मतलब एक तरह से बंधक हम चीजों को रख देते हैं या अपने तरफ से कोई संपत्ति भी दे देते हैं ताकि बदले में हमें पैसे मिल जाए, या अगर नहीं भी दिया तो बैंक कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट आपसे साइन करा लेती है जिसके बिना पे आप बंध जाते हो। ठीक है, तो ऐसे लीगल एग्रीमेंट को मॉर्टगेज कहते हैं, बंधक बोल सकते हो बंधक। ठीक है, डॉक्यूमेंट यानी पत्र वगैरह होता है, प्रपत्र, प्रपत्र कागज पत्र जो होते हैं, प्रपत्र वगैरह डॉक्यूमेंट होते हैं। और लीज, लीज का मतलब होता है जब हम किसी चीज को रेंट पे देते हैं, तरह से ये रेंट हो जाता है, लीज पे देना यानी रेंट पे, 100 साल के लिए लीज पे दे दिया, क्या आप बिजनेस कर सकते हैं और एक ही बार पैसे दे देता है सबको, तो लीज एक तरह का रेंट होता है। ठीक है, किराए पर देना। इनवॉइस यानी बिल, बिल को इनवॉइस कहते हैं, बिल में आजकल बिल की जगह इनवॉइस लिखा होता है। तो आंसर इज मॉर्टगेज, दैट मींस अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच एक आदमी बैंक से
घर खरीदने के लिए जो एग्रीमेंट साइन करता है उसको मॉर्गेज कहते हैं, वो एक तरह का बंधक है और बंधक में वो चीजें भी देता है, जमीन दे देता है या अपनी कोई संपत्ति है सोना गिरवी रखता है ताकि बदले में उसको पैसे मिल सके। ठीक है, तो बंधक या मॉर्गेज कहलाता है। क्लियर, ये कॉमन वर्ड था। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं तो स्टूडेंट्स उनको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, पर जो नए वर्ड होते हैं उनके लिए हमें वोकैबुलरी या डिक्शनरी की वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए आखिरी सवाल कहते हैं, फेलिंग टू डिस्चार्ज वन्स ड्यूटी, कहता है अपनी ड्यूटी को निभाने में नाकाम, फेलिंग नाकाम, डिस्चार्ज ड्यूटी, ड्यूटी को डिस्चार्ज यानी निभाने में नाकाम। तो डिबेकल क्या होता है, डिबेकल का मतलब होता है पतन, जब इंसान का डाउनफॉल होता है उसको डिबेकल कहते हैं, पतन। ठीक है, किसी का अकल डिब्बा की तरह हो गया, अकल का डिब्बा हो जाता है, ठीक है, तो वो पतन हो जाता है, डिबेकल, तो ये पतन हो गया। और यहाँ कह रहे हैं ड्यूटी डिस्चार्ज करना, तो ये तो नहीं आ रहा है। डिरेक्शन इसका मतलब होता है नॉट केयरिंग, किसी चीज में ध्यान नहीं देना, ठीक है, नॉट केयरिंग, यू डोंट केयर, आप किसी भी चीज को केयर नहीं कर रहे हो, यू आर इग्नोरिंग, यू हैव अबेंडेंड, उसको आपने त्याग दिया है। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ संकल्प, आप किसी बात को लेकर एकदम अटल हो, अडिग हो, और यहाँ कह रहा है कि काम को डिस्चार्ज नहीं कर रहा अच्छे से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और डिटरेंट का मतलब हो गया बाधा, डिटरेंट किसी चीज में रुकावट है, रोड़ा है, तो डिटरेंट है। तो अब आपने देख लिया कि आंसर क्या रहने वाला है, डेरिलिक्शन, डेरिलिक्शन मतलब जो काम में देरी करता है, डेरिलिक्शन जो काम में देरी करता है और टाइम पे डिस्चार्ज नहीं करता, ड्यूटी नहीं करता या ड्यूटी में ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है, पूरी तरह से केयरलेस आदमी है, तो वो डेरिलिक्शन हो गया। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए, और अब वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूं कि इन सब को करने के लिए आखिर हमने क्या कुछ किया। हमने वोकैबुलरी का सहारा लिया, ओके, तो फ्रेंड्स मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड ओडब्ल्यूएस को करने के लिए आपका रूट वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, खासकर वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन में एलिमिनेट का यूज करते हैं, एलिमिनेशन वाला, जैसे वॉइस में, नरेशन में, जब पढ़ाऊंगा तो आप देखोगे, तो वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आप एलिमिनेट कर सको, तो एलिमिनेट करने के लिए वोकैबुलरी अच्छा हो जाए। तो नो वोकैबुलरी, नो रूट वर्ड, नो वन वर्ड, नो इडियम, नो एंटो, नो सिनो। ठीक है, चलिए, तो और आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में आप तो, अगर आप चाहें कि इसका अगला वीडियो बने, अगला पार्ट बने, तो मैं बना दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, अपने आंसर कितने करेक्ट हुए 15 में से वो भी कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, बाकी है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, और अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उससे और उसके ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन चाहिए, टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम लोग तत्पर हैं आपके लिए कि आप जो कहेंगे, जिस तरह का मटेरियल की डिमांड करेंगे, कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए वैसे अच्छे और गुणवत्ता वाली मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, ओके।